सरजान बरकती की बेटी आज उस वक्त रो पड़ी जब वो एक कैंपेनिंग के दौरान गाड़ी की छत पे चढ़ी। इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग थे जिनमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन की थी और उन्होंने उन सब लोगों से अपील की कि वो उनके वालिद यानी सरजान बरकती के हक में वोट दें ताकि उनको जेल में लगे कि उनका इलाका उनके साथ है। आखिर ये सरजान बरकती हैं कौन? सरजान बरकती का नाम तब सामने आया जब साल 2016 में एचएम के टॉप कमांडर बुरहान वानी मारे गए और उसके बाद जगह जगह पे प्रोटेस्ट शुरू हुए। साउथ कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हुए उनमें से बेशतर प्रोटेस्ट की लीड कर रहे थे सरजान बरकती। वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे और उसके बाद वो गिरफ्तार किए गए। उन पर इल्ज़ाम था कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और साथ ही वो सेपरेटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, स्टोन पेल्टिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो उनके चार्जेस में उनको गिरफ्तार किया गया। काफ़ी देर तक वो जेल में रहे। जब वो जेल में थे तो उनके फैमिली मेंबर्स श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में भी आए और उन्होंने कहा कि उनके घर का गुजारा नहीं चल रहा है तो सरजान बरकती को रिलीज़ किया जाना चाहिए। इतने में एक फंड रेजिंग कैंपेन शुरू हुई और सरजान बरकती भी रिलीज़ हो गए और उस फंड रेजिंग कैंपेन के दौरान लोगों ने उन्हें मदद की, उनके अकाउंट में पैसा दिया और उसके बाद एसआईए ने छापामारी की और एसआईए ने कहा कि इनके पास अभी तक 1,74,00,000 रुपए जमा हुआ है फंड रेजिंग के दौरान। तो इल्ज़ाम ये लगा सरजान बरकती पर कि ये पैसा जो है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है, हवाला पैसा है। ऐसे इल्ज़ाम लगे और सरजान बरकती को फिर से बंद कर दिया गया और अभी वो जेल में हैं। यानी सरजान बरकती पर इल्ज़ाम काफ़ी सारे हैं। पहले एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के इल्ज़ाम में उनको गिरफ्तार किया गया, एजुटेशन को प्रमोट करने के इल्ज़ाम में उनको गिरफ्तार किया गया, स्टोन पेल्टिंग को बढ़ावा देने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया और जब दूसरी बार वो गिरफ्तार किए गए तब उन पर मनी लॉन्ड्रिंग या ये कहें कि पैसा हड़पने का इल्ज़ाम है, फंड रेजिंग के ज़रिए एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ प्रमोट करने का उन पर इल्ज़ाम है। हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में है, कोर्ट ने अभी उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं सुनाया है। तो इस बीच ये कहा जा सकता है कि सरजान बरकती चुनावी मैदान में कूद पड़े। तो क्या चुनावी मैदान में कूद पड़ने से सरजान बरकती जीत पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इमोशनल अपील की जा रही है और आज भी सरजान बरकती की बेटी ने एक इमोशनल अपील की, रो पड़ी और लोगों से कहा कि उनके वालिद के हक में वोट दिए जाएं। तो ऐसे में आप देखना होगा कि किस तरीके से अब सियासत आगे बढ़ेगी और असेंबली चुनाव में कौन जीत के सामने आएगा। क्या यहाँ पे जिस तरीके से इंजीनियर रशीद ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी जेल में रह के, क्या सरजान बरकती का फॉर्म अगर एक्सेप्ट होता है क्या वो भी जीत दर्ज कर पाएंगे?